राम राम भाई, सारे आने हैं, सबको राम राम भाई, सबको राम राम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, और 5 नंबर का बेटा आपका ये चैप्टर होने वाला है। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक चैप्टर, इजी चैप्टर कहेंगे, बहुत बेसिक से समझेंगे, सब चीज़ें समझेंगे। सीबीएसई वाले बच्चों का जो पार्ट है वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। कक्षा हो सकता है कि 2 घंटे के आसपास चले, बट यह है कि शायद आज ही खत्म भी हो जाए। फिर अगर कोई आईएससी वाला और ये जो हमारे बिहार बोर्ड वाले, फिर कोई डिफरेंट बोर्ड का बच्चा है, फिर उनके वाले सिलेबस को हम कल कवर कर लेंगे यार। एलपीपी पहले पढ़ रखा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना यस, अगर पहले नहीं पढ़ा है तो लिख देना नो, है ना, कमेंट सेक्शन में। सबको अपनी अटेंडेंस लगानी है, बाकी जूम के माध्यम से भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। उगल भाई बहुत सुंदर पाउट बना रहे हैं मुंह से, बहुत सुंदर, अद्भुत बेटा। और कौन है, मृदुल प्रताप हैं, तो बेटा बिल्कुल माइक ऑन मत करियो मृदुल यार, है ना, बिल्कुल भैया। ओके, थैंक यू सो मच सर, 4 बार पढ़ लिया है, ओके, डाउट नहीं आएगा, ठीक है। और रविंदर भाई से भी शायद मैं बात नहीं करूंगा सर, हम भी हैं, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, तुम भी हो, बिल्कुल यार, तुम सब हो। ओके सर, 1 शॉट से किया हुआ है, ओके बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है। शिवम भाई भी हमारा, अरे बच्चे क्या बोल रहे हैं, यस सर, नो सर, नो सर, ओके ग्रेट। चलिए, सो आईएससी वाले बच्चे हैं यहाँ पे, आईएससी वाला कोई बच्चा है आईएससी बोर्ड के, बिहार बोर्ड का, तो बेटा वो जरा एक बार कमेंट करना यार, वो कमेंट करना। और यहाँ पे हमारे साथ इधर आईएससी बोर्ड का कौन है, आईएससी बोर्ड के इधर कौन, आयुष श्रीवास्तव है, आयुष के अलावा और कौन है, ओके चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, वंशिका सुन पा रही है मैं, वंशिका? यस सर। बहन ऐसा है, आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में सबसे पहले तो आपको पता चल होना चाहिए कि सिलेबस है क्या। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी की सिर्फ एक एक्सरसाइज है बेटा, सिर्फ एक एक्सरसाइज, 12.1। किसी के पास अगर पुरानी बुक है तो आपको एनसीईआरटी से सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 करनी है बच्चों, और ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, पूरी एक्सरसाइज। यहां पर आप एक चीज देखोगे कि यहां पर आपको एक जेड नाम से एक फंक्शन बना के दिया हुआ होता है और कुछ इनइक्वालिटीज दे रखी होती हैं। जेड नाम का एक फंक्शन कुछ इनइक्वालिटी दे रखी होती है, लीनियर इनइक्वालिटीज हमारे पास आती हैं, ग्राफ वगैरह का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है, और ग्राफ के जरिए बेटा हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। अब ऐसा है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, मैं इस चीज को बेटा एक केस स्टडी के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। पुरानी एनसीईआरटी से बेटा मैं एक वर्ड प्रॉब्लम लेकर चलूंगा और उस वर्ड प्रॉब्लम के माध्यम से बेटा मैं आपको इस क्वेश्चन को इधर समझाने की कोशिश करूंगा यार। देख सकते हैं आपकी बुक से एक वर्ड प्रॉब्लम बेटा मैं ले रहा हूं, वर्ड प्रॉब्लम, इसको एक केस स्टडी समझ के चल लो बेटा, आप लोग एक केस स्टडी मान के चल लो, ठीक है, तभी आपको चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट का आइडिया हो पाएगा कि भैया चैप्टर का मीनिंग है क्या। ठीक है बच्चे, देखिए यहां पर क्या है ना, चैप्टर में लीनियर प्रोग्रामिंग की बात हो रही है और आगे एक प्रॉब्लम शब्द यहां पे ऐड कर दिया गया है। लीनियर एक ऐसा शब्द है बेटा जिसका मीनिंग है एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री होगी 1, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री होगी 1। डिग्री बोले तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यानी कि आपको देखने को मिल सकता है 2x+3, आपको देखने को मिल सकता है 3x+4y+5, एक्स की पावर आपको 1 देखने को मिलेगी, एक्स और वाई की पावर आपको 1 देखने को मिलेगी, क्वाड्रेटिक नहीं देखने को मिलेगा बेटा, क्वाड्रेटिक हमें देखने को यहां पर नहीं मिलेगा, लीनियर ही बेटा हमारे सामने ये रहेगा यार, लीनियर। प्रोग्रामिंग शब्द बेटा जब हम कहते हैं प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग से
जो तात्पर्य सिंपल शब्दों में बेटा हम प्लानिंग शब्द हम यहां पे बोला करते हैं। प्रोग्रामिंग का जो मीनिंग है वो क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग किस चीज की? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उस प्लानिंग के लिए बेटा यहां पे क्या शब्द यूज किया गया है? प्रोग्रामिंग यूज किया गया है। अब इस प्रोग्रामिंग में बेटा कुछ स्टेप्स आएंगे जो मैं आपको भी आगे यहां पे बताऊंगा यार, ठीक है? बट तब तक आप प्रोग्रामिंग का मतलब ये समझ लो, प्लानिंग। प्लानिंग किस चीज की? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अब प्रॉब्लम किस तरीके की होंगी? प्रॉब्लम जो है आपके सामान्य दैनिक जीवन की प्रॉब्लम नहीं होंगी कि यार मैसेज किया था लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा, समझ पा रहे हो? यार मेरे भाई तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, है ना, नाराज क्यों है? इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं यार, है ना। प्रॉब्लम जो है बेटा यहां पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी फंक्शन के मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। कह रहे सर हाँ सर अभी तक तो रिप्लाई नहीं आया, वेट कर रहा हूं, है ना, शायद आपकी क्लास के खत्म होने के बाद आ जाए रिप्लाई। कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। पढ़ाई तू पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, ठीक है, हरकतें सही रखी, अगर हरकतें खराब होंगी बेटा तो कभी नहीं आएगा फिर, ठीक है बाबू। ओके, तो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन। अब मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन भी क्या, जनरली जो LPP जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेटा ये यूज होता है आपके कॉस्ट एंड प्रॉफिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। जनरली हम क्या चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या हो? मिनिमम। हमारा प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम। हमारा रेवेन्यू क्या हो? मैक्सिमम। कॉस्ट प्रॉफिट रेवेन्यू इनसे रिलेटेड जो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए भैया हम प्लानिंग कर रहे हैं। और उस प्लानिंग में ये समझ लो लीनियर एक्सप्रेशंस का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और लीनियर एक्सप्रेशंस में भी बेटा मैं आपको बता दूं हम लीनियर इनइक्वालिटी का बेटा हम लोग यूज करने वाले हैं, लीनियर इनइक्वालिटी का। तो बच्चे अब प्रॉब्लम किस तरीके की होगी उसको बेटा आप इस एक क्वेश्चन के माध्यम से समझना। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो इस क्वेश्चन के जरिए बेटा आप समझ लो कि आपकी पूरी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी पूरी वो कंप्लीट आप लोगों को समझ में आ जाएगी। यहां पर स्टेटमेंट है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम से बेटा पहले आप लोगों को इनइक्वालिटीज बनानी है फिर उनके थ्रू सॉल्व करना है। हालांकि एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम में आपको इनइक्वालिटीज वहां पे सब अपने आप ही रेडीमेड दे रखी होंगी, ठीक है। बाकी फिर भी समझने की कोशिश करना तभी मजेदार यार ये चैप्टर लगेगा, ठीक है। वंशिका मैम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पोरवाल भाई क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि अब मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स। दो प्रकार की चीजों का उत्पादन किया जाता है, नट्स एंड बोल्ट्स। जिसके ये सिलेबस में हो IC वाले बिहार वाले वो ध्यान दे लेना बेटा। हम दो प्रकार की चीजों का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, नट्स भी बनाते हैं बोल्ट्स भी बनाते हैं। अब नट्स एंड बोल्ट्स दोनों को बनाने के लिए भैया मशीनों की आवश्यकता होगी, मशीनों की आवश्यकता होगी। तो कह रहा है कि इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट। पोरवाल भाई नट्स का अगर हमें एक पैकेज बनाना है, एक पैकेज, उस पैकेज के अंदर हो सकता है कई सारे नट्स होंगे फिर, ठीक है। तो हमें एक तो भैया चाहिए क्या, मशीन ए, और दूसरा हमें चाहिए क्या, मशीन बी। नट्स का एक पैकेज बनाना है तो मशीन ए 1 घंटे तक चलती है और मशीन बी 3 घंटे तक चलती है। ये समझ ले भैया कि दो मशीनें, एक मशीन यहां लगी हुई है और एक मशीन यहां लगी हुई है। यहां से रॉ मटेरियल इस मशीन के अंदर जाएगा, यहां 1 घंटे तक रहेगा, यहां से निकल के फिर वो दूसरी मशीन में जाएगा, वहां वो 3 घंटे तक रहेगा, फिर बाहर निकल जाएगा। और बाहर जब वो निकलेगा तो नट्स का एक पैकेज बनके तैयार हो चुका होगा, ये बात ठीक है। अब बोला गया, फिर आगे बोला गया बेटा, फिर आगे बोला गया बच्चे कि इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट।
भाई बोल्ट्स भी अगर आपको बनाने हैं तो उसका एक पैकेज बनाने के लिए मशीन ए का 3 घंटा लगता है और मशीन बी का 1 घंटा लगता है। यस सर, ये बात ठीक है मेरे भाई? यस सर। वंशिका बहन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन वाली बात है? हम दो प्रकार की चीजें बना रहे हैं, इसको बनाने के लिए भी मशीनें और मशीन भी चाहिए, उसे बनाने के लिए भी मशीनें और मशीन भी चाहिए। हमारे पास दो ही मशीनें हैं, उन दोनों मशीनों का इस्तेमाल होना है, नट्स बनाने के लिए भी और बोल्ट्स बनाने के लिए भी। क्या ये ठीक है बच्चों? यस सर। फिर आगे बोला गया, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 17.5 रुपए पर पैकेज ऑन नट। भैया जब नट का एक पैकेज तैयार हो जाता है और जब हम उसे मार्केट में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है बच्चों, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने रुपए का? 17.5 रुपए का प्रॉफिट होता है एक पैकेज पे। एक पैकेज बेचूंगा तो 17.5 का प्रॉफिट, दो पैकेज बेचूंगा तो 35 रुपए का प्रॉफिट। ऐसे ही जितने पैकेज में बनाऊंगा, जितने बेचूंगा उस पर उसी हिसाब से बेटा प्रॉफिट इस रेट से बढ़ेगा। कह रहा है कि 7 रुपए का प्रॉफिट है किस पे? बोल्ट पे। मेरे दोस्त यहां एक पैकेज पे 17.5 का प्रॉफिट है और वहां पे एक पैकेज पे 7 रुपए का प्रॉफिट है। ये इतनी इंफॉर्मेशन इसने हमको दे दी है। फिर इसने आगे बोला, हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे। हम इसको कितना बनाएं, बोल्ट्स को भी कितना बनाया जाए, इसका प्रोडक्शन कितना हो, उसका प्रोडक्शन कितना हो, सो एज टू मैक्सिमाइज। क्या करना भाई? We have to maximize the maximize his profit. बोलो भाई, उद्देश्य पता चल गया, लक्ष्य पता चल गया, ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। यह तुम्हारा उद्देश्य है, यह तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन्स फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स अ डे। मशीनों को चलाएगा एक दिन में कितनी देर के लिए? 12 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे। शब्द को देखना, एट मोस्ट 12 आवर्स अ डे। एक दिन अगर मशीन को चलाना है तो मशीन ए और मशीन बी, भाई इस मशीन को 12 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना। मैक्सिमम चलाओ तो कितना चलाओ? 12 आवर्स। इसको भी ज्यादा से ज्यादा चलाओगे तो कितना चलाओगे? 12 घंटे से ज्यादा भाई तुम लोगों ने इन मशीन्स को नहीं चलाना। हाँ, 12 घंटे से कम यूज करना चाहते हो तो कर लो, उससे ज्यादा यूज आप लोग उनको नहीं करोगे भाई। इस बात को समझे भाई? यस सर। भाई तुम भी अलग अलग मिलाता है? नहीं, दोनों अलग अलग है। वो वाली मशीन का भी 12 घंटे, इसका भी अलग से 12 घंटे। ठीक है, ओके सर। दोनों का डिफरेंट 12-12 घंटे बेटा। तो मशीन का यूज 12 घंटे से कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे पोरवाल भाई, तू 10 बजे अपने ऑफिस में पहुंचता है, 5 बजे तेरी छुट्टी हो जाती है, ठीक है? yes, तो 7 घंटे की ड्यूटी है, तो तू अपने ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा तो काम करेगा ना, तो 7 ही घंटे करेगा। ये बात है। बीच में फिर लंच टाइम भी होगा, बीच में तेरे को वॉशरूम भी जाना होगा, चाय भी पीनी होगी, तो 7 घंटे से ज्यादा का काम तो तू कर ही नहीं सकता। काम करेगा तो उससे कम काम करेगा, लैपटॉप की कंप्यूटर के आगे तो बैठेगा तो उससे कम ही बैठेगा मेरे दोस्त, मानते हैं? तो मेरे भाई यहां पर मशीन है, एक दिन में मिली तुम्हें कितनी देर के लिए? 12 घंटे के लिए मिली है। बट जरूरी नहीं है कि तुम भैया सुबह कारखाने में पहुंच गए 9 बजे और वहां पे तुमने पहुंचते ही सीधा सबसे पहले मशीन का बटन ऑन कर लो भाई, तो चलना शुरू हो जा, और रात के 9 बजे तक तुमने उसको चला के रखा, बंद हो मत जाइयो, है ना? yes, चाहे मशीन के अंदर कुछ भी नहीं है, तूने तब भी मशीन को चला के रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई? तो अगर मशीन के अंदर तूने कुछ प्रोडक्ट, कुछ रॉ मटेरियल तूने डाला ही नहीं, तो वहां पे मशीन तो तू फालतू में चला के थोड़ी रखेगा, उस टाइम पे मशीन तेरी बंद रहेगी यार। तो मशीन तब चलेगी जब कुछ एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा हो, अननेसेसरी बेटा हम मशीन को चला के नहीं रखेंगे। ये मशीन हमारे लिए एक रिसोर्स है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, ये मशीन भी बेटा क्या है? रिसोर्स है हमारे लिए, और रिसोर्सेस का हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि कम यूज करना चाहिए, ऑप्टिमम का मतलब यह है कि फालतू यूज नहीं करना चाहिए। जैसे हम ये नहीं कहते कि हमें कम खाना खाना चाहिए, हम कहते हैं उतना खाओ जितनी जरूरत है, फालतू का वेस्ट नहीं करना चाहिए। यह होता है रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। कोई रिसोर्स अगर आपके पास है उसको बर्बाद नहीं करना, जितनी जरूरत है उतना यूज करो, फालतू नहीं बेटा,
समझ पा रहे हो? जैसे यस मेरी भी क्लास होती है, भैया पढ़ाते हैं तो भैया समझ में आ चुका है, लेकिन कभी कभी आप लोग क्या कहते हैं कि नहीं भैया पैसे हमने दे रखे हैं, थोड़ी देर इसी चीज को एक बार दोबारा से आप जरा एक बार बोल दो, है ना। तो मैं भी एक रिसोर्स हूँ बच्चों, आप लोगों का एक रिसोर्स हूँ, तो आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए कि सर हमें समझ में आ गया है, अब चुप हो जाओ, अब अगली चीज को पढ़ाओ। तो कभी कभी आपको ऐसे भी बोलना चाहिए बच्चों, समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं सर समझ में आ चुका है लेकिन दो बार और रिपीट कर दो, पैसे दे रखे हमने पूरे, है ना, ऐसे नहीं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मशीन का हमें यूज करना है बट ऑप्टिमम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर यूज करेंगे तो 12 घंटे करेंगे, 12 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे। अनुराग भैया को भी, भैया तुम ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो एक दिन में क्या 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हमारा इस्तेमाल करोगे, है ना। उसके बाद भैया मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, समझ पा रहे हो? यस सर। क्योंकि तुम्हारे अलावा बाकी भी क्लासेस है ना मेरे दोस्त, उनको भी टाइम देना है, फिर थोड़ा इंसान को खाना भी है, सोना भी, परिवार नाम की भी चीज होती है यार, है ना। तो ये सब चीजें बच्चे, तो भाई लोग ये इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दी गई है, और अब बोल दिया कि नट्स को कितना बनाएं, बोल्ट्स को कितना बनाएं। तो मेरे दोस्त मुझे नहीं मालूम कि कितने नट्स और कितने बोल्ट्स का प्रोडक्शन यहां पर होगा, तो हमने कहा जी मान लेते हैं नट्स के एक्स पैकेजेस बनाते हैं और बोल्ट्स के वाई पैकेजेस बनाते हैं, क्या ये ठीक है बच्चों? मुझे नहीं मालूम ना कि ये कितने बनेंगे और वो कितने बनेंगे, तो मैंने मान लिया कि नट्स के एक्स पैकेज बनेंगे और बोल्ट्स के वाई पैकेजेस बनेंगे, क्या इतना ठीक है भाई? यस सर। ओके, अब जरा समझना बात को, बात को समझिएगा मित्रों। मेरी बहन वंशिका, मशीन ए एक आपके लिए रिसोर्स है, सिर्फ रिसोर्सेस की बात करेंगे। मशीन ए थोड़ा टाइम नट्स को देती है, थोड़ा टाइम बोल्ट्स को देती है। जैसे अनुराग भैया थोड़ा टाइम अपने 11th को बैच को देते हैं और बहुत ज्यादा टाइम अपने 12th के बैच को देते हैं, सही बात है। उसी तरीके से इस मशीन ए ने नट्स को भी टाइम दिया, बोल्ट्स को भी टाइम दिया। अगर नट के एक पैकेज को बनाना होता तो ये मशीन 1 घंटा चलती, बट अगर नट्स के अगर मैं एक्स पैकेज बनाऊंगा तो क्या मैं कह दूं कि एक्स इंटू वन एक्स आवर्स तक हमारी ये मशीन चलने वाली है। हाँ सर। वही मशीन बोल्ट्स भी बनाती है, ये मशीन एक बोल्ट को बनाने में 3 घंटे लगा देती है, वाई बोल्ट्स को बनाने में कह दूं 3 वाई आवर्स लग जाएंगे। यानी कि मशीन ए इतनी देर तक इसको बनाने के लिए यूज होती है, उतनी देर तक इसको बनाने के लिए यूज होती है, तो मशीन ए टोटल कितना यूज होती है, एक्स प्लस 3 वाई। ये बात ठीक है बच्चों? मशीन ए इतना इसके लिए यूज हुआ, उतना टाइम उसके लिए यूज हुआ, तो मशीन ए का टोटल यूजेस कितना, एक्स प्लस 3 वाई आवर्स। ये बात ठीक है बच्चों? एक्स प्लस 3 वाई आवर्स। और तुम्हें मालूम है कि ये जो भी यूजेज हुआ है वो 12 घंटे से या तो कम होगा या 12 घंटे के इक्वल होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता भाई। 12 घंटे से ज्यादा अगर तुम इनको यूज करोगे तो मशीन यूनियन वाले स्ट्राइक पे चले जाएंगे भैया, ठीक है ना। वो जैसे ड्राइवर गए ना स्ट्राइक पे, तो फिर मशीन यूनियन वाले भी फिर स्ट्राइक पे चले जाएंगे और कह रहे भैया ये शोषण हो रहा है हमारा यहाँ पर, शोषण। पैसा 8 घंटे का दे, 8 घंटे का भी नहीं देते और काम यहाँ पे 12 घंटे करवा रहे हैं, 13 घंटे करवा रहे हैं, है ना। जैसे अनुराग भैया का शोषण हो रहा है ना, जैसे ऐसे बेटा। तो ये एक यहाँ पर कंडीशन बनी है तुम्हारे सामने। उसी तरीके से बच्चों मशीन बी सर ने मुझे 25 साल के इंसान का दर्जा दे रखा है जिसकी शादी सरकारी नौकरी और ऑफिस सब जाना होता है। ओके, देख भाई मशीन बी भी नट्स बनाती है एंड बोल्ट्स बनाती है। मशीन बी एक नट को बनाने में 3 घंटे लगाती है, तो एक्स नट्स को बनाने में 3x आवर्स लगाएगी, प्लस मशीन बी जो है एक बोल्ट को बनाने में 1 घंटा लगाती है, तो वाई बोल्ट्स को बनाने में y आर्स लगाएगी। तो मशीन बी टोटल चली कितना, 3x आर्स प्लस y आर्स, और वो टोटल यूजेस क्या रहेगा बेटा, लेस देन 12। क्या ये बात ठीक है बच्चों? यस सर। x जो है वो एक क्वांटिटी है बेटा, x क्या है, एक क्वांटिटी जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए एक्स अगर होगा तो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। क्वांटिटी 0 कैसे हो सकती है भाई, किसी दिन बिजली नहीं आई
पूरे दिन भर बिजली नहीं थी, मशीनें नहीं चली, क्या कोई भी नट का कोई पैकेज या बोल्ट का कोई पैकेज बना बच्चों? तो प्रोडक्शन आपका यस जीरो हो गया, तो एक्स सर। जीरो के इक्वल हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे ही यस वाई सर। भी क्वांटिटी है जो कि जीरो हो सकता है बट जीरो से बड़ा भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब देखो बेटा, इतना हुआ यस भाई, सर। मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूं। अबे यार, अबे अबे अबे। ये तो पूरा ही जा रहा है यार। सीन क्या है, दोस्त है सब। सब दोस्त हैं? ले भाई, हो गया, दोस्ती तोड़ दी। अब मेरे दोस्त, एक काम और करना है। यस सर। तेरा ऑब्जेक्टिव था क्या? क्या मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमाइज करना चीज मैक्सिमाइज करनी है? कॉस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट को प्रॉफिट। मैक्सिमाइज करना है। यस सर। अगर मैं तुझसे पूछूं कि तुझे प्रॉफिट हो कितना रहा है, क्या बोलेगा? एक नट पे 17.5 रुपए का प्रॉफिट था, एक्स नट्स पे यस सर। कितने का प्रॉफिट हुआ? साढ़े एक्स सत्रह साढ़े 17x। 17.5x। यस सर। एक बोल्ट पे 7 रुपए का प्रॉफिट है, तो वाई बोल्ट्स पे, +7y। और ये तेरा टोटल प्रॉफिट हो गया, मानता है? यस सर। तू क्या चाहता है, कि ये प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो? ज्यादा हो, पैसा मैक्सिमाइज। चाहिए। पैसा चाहिए है, यस सर। ज्ञान नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए, जीवन में संतुष्टि नहीं चाहिए, बस पैसा ही चाहिए है वो भी बे? चाहिए। क्या यार, बच्चों प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। जेड, यस इस सर। प्रॉफिट को हम जेड के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम आपके सामने हमने मैथमेटिकल टर्म्स में यहां पे एक्सप्रेस कर दिया है। यस सर। आपकी जो पूरी कंप्लीट पहली एक्सरसाइज थी बच्चों, पहली जो पूरी कंप्लीट हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, जरा ध्यान से देखिए। जो अभी 15 मिनट लगाकर हमने वर्ड प्रॉब्लम को बेटा हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट किया, इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट किया, फर्स्ट एक्सरसाइज में वो सब आपको रेडीमेड ऑलरेडी सब निकाल के दे रखा है। इस बात को समझ पाए यस बच्चों? यानी कि सीबीएसई के एग्जाम में ये चीज नहीं दी होगी, आपको ये चीज ऑलरेडी निकाल कर दी गई होगी। ये बात समझे भाई? सर। यस सर। अब ऐसा है, इन सभी इंफॉर्मेशन को मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूं। एक्स प्लस 3y लेस देन 12, एक्स थ्री 3x प्लस y लेस देन 12, एक्स ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। बच्चों ये जितनी जो इनइक्वालिटीज, ये जो कंडीशंस मैंने लिखी हैं, ये जो कंडीशंस यहां पे हमने लिखी है बेटा, कंस्ट्रेंट्स। रेस्ट्रिक्शंस, ये क्या हैं? रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के यस ऊपर ये क्या हैं? ये रेस्ट्रिक्शंस हैं बच्चों। कैसे रेस्ट्रिक्शंस हैं, सर। मैं आपको अभी ये समझाता हूं, अभी समझाता हूं बेटा मैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्स एंड वाई, इनको एक नाम दिया जाता है, कंस्ट्रेंट्स। क्या नाम है बेटा? कंस्ट्रेंट्स। ये नाम याद रखना है बच्चों, ठीक है? यस सर। इन दोनों को क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, इन्हें शब्द दिया जाता है यस क्या? भाई आपका ये जो चैप्टर, यहां से ना एमसीक्यूज बनते हैं। अगर आपने प्री बोर्ड वगैरह दी हो तो आपको पता होगा कि एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं यहां से, तो आपको इन सब चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? वो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं एक्स और वाई के ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशन कहते हैं इनको हम। एक्स और वाई क्या यस है? सर। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। इनका क्या मतलब है भी? अभी मैं आपको समझाऊंगा बेटा। फिर मैंने प्रॉफिट नाम की एक चीज लिखी, जिसे मैंने जेड बोला, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वहां पे जेड के जरिए लिखा गया होगा बेटा। तो ये है 17x प्लस 7y। इसे बेटा हम लोग बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यह है हमारा क्या बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बेटा आप क्या करना चाहते हो?
मैक्सिमाइज जैसे यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, कभी किसी और क्वेश्चन में उसको मिनिमाइज करना होगा, कभी किसी और क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना होगा, कभी मिनिमाइज करना होगा, ये दो ही चीजें चलेंगी, या तो मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज। ये बात ठीक है बच्चों, हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अब मेरे दोस्त पोरवाल, तुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा कि तू एक दिन में कितने नट बनाए और कितने बोल्ट बनाए जिससे कि तेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। भाई अगर किसी तरह की कोई कंडीशन ना होती तेरे ऊपर, अगर मैं तुझसे कहूं, मैं तुझसे कहूं कि भाई तुझे बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, तो तू पढ़ाई करता रहे भाई, है ना, तो तू मुझसे पूछा भैया मैं एक दिन में कितना पढ़ू, तो मैंने कहा भाई जितनी तेरे बस की है, कह रहे भैया मैं एक दिन में 25 घंटे पढ़ लूं, तो भैया ये तो संभव नहीं है ना, 25 घंटे कैसे पढ़ पाएगा, एक दिन में होते ही 24 घंटे हैं, मानते हैं, तो वो जो 24 घंटे है वो एक रेस्ट्रिक्शन लग गया तेरे ऊपर कि तू यार एक दिन में इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाएगा, समझ पा रहे हैं। उसी तरीके से तू यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहा कि मैं कितने नट्स बनाऊं और कितने बोल्ट्स बनाऊं, तो तूने कहा एक काम करते हैं, 5 नट बनाता हूं और 5 बोल्ट बनाता हूं, तूने बोला। तो अब जरा सोच, तू अगर 5 नट बनाएगा तो मशीन ए को 5 घंटे चलाना पड़ेगा, और 5 बोल्ट बनाएगा तो मशीन ए को ही 15 घंटे चलाना पड़ेगा, 15 घंटे और 5 घंटे, मशीन ए को तुझे 20 घंटे चलाना पड़ेगा, जबकि मशीन ए है कितनी देर के लिए हमारे पास, 12 घंटे के लिए। सोच, तूने बोला भैया मैं 5 नट बनाऊंगा 5 बोल्ट बनाऊंगा, तो 5 मशीन बी अगर नट बनाना है तो एक नट के लिए 3 घंटे लगाती है, 5 नट के लिए 15 घंटे लगाएगी, एक बोल्ट के लिए 1 घंटा लगाती है, 5 बोल्ट के लिए 5 घंटे लगाएगी, 15 और 5 मशीन बी को भी 20 घंटे चलाना पड़ेगा, समझ पा रहा है। फिर तूने बोला एक काम करते हैं भैया ये तो हो नहीं पा रहा, तो एक काम करते हैं एक नट बनाता हूं और एक बोल्ट बनाता हूं, अब तो एक नट बनाएगा तो मशीन ए 1 घंटा और 3 घंटे चलेगी 4 घंटे के लिए, एक नट पे 1 घंटा और एक बोल्ट पे 3 घंटा, तो टोटल 4 घंटे यूज हुई। तो जरा सोच, जो मशीन तेरे पास 12 घंटे के लिए है उसको तो मात्र 4 घंटे का यूज कर रहा है, तो 8 घंटे तूने फालतू तो रखा ना उसको, उस पर कुछ तो मेहनत हो सकती थी ना। बहुत से बच्चों ने, किसी ने अगर होम ट्यूशन लगवाया हो तो उनको पता होगा कि पर घंटे के हिसाब से टीचर चार्ज करते हैं, 1000 रुपए 1200 रुपए पर आवर के हिसाब से टीचर चार्ज कर लिया करते हैं, ठीक है। अब सोचो वही टीचर अगर क्लास में 5 मिनट लेट आए और 10 मिनट पहले चले जाए, तो एक तरह से देखा जाए उन्होंने तुमको पढ़ाया मात्र 45 मिनट, दुख होगा भाई, बुरा लगेगा। यस सर। एक घंटे का तुम भैया हमसे 1000 1200 रुपए ले जा रहे हो और मात्र पढ़ा रहे हो 45 मिनट, तो दुख होगा भाई। सेम कहानी यहाँ पे, जिस चीज के तुमने 12 घंटे के पैसे दे रखे हैं वो मात्र 4 घंटे या 5 घंटे के लिए यूज हो रही है, तो यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, कभी कभी क्या है ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना होता है कि भैया इन रिसोर्सेज का ना तो अंडर यूटिलाइजेशन हो और ना ही इनका ओवर यूटिलाइजेशन हो, जितनी उनकी क्षमता है उतना उनका यूटिलाइजेशन हो। तो भाई वही चीज ये कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे करते हैं, ये कंस्ट्रेंट्स हमारे रिसोर्सेस का अंडर यूटिलाइजेशन भी रोकेंगे और ओवर यूटिलाइजेशन भी रोकेंगे। जैसे तूने बोला था कि भैया मैं 5 नट बनाऊंगा और 5 बोल्ट बनाऊंगा, यानी कि 5 नट और 5 बोल्ट, जरा सोच, 5 × 15 और 5 ये 20 हो गया, क्या 20 12 से छोटा है? नहीं है, 20 12 से छोटा नहीं है, यानी कि इस कंडीशन ने तुझे एक्स की जगह 5 और वाई की जगह 5 रखने से रोका, समझ पाया? तो ये कंडीशन जो है बेटा, ये क्या दिखती है, ये तुझे मशीनों का ओवर मतलब गलत यूटिलाइजेशन करने से रोकेंगी भाई। अब इनके सॉल्यूशंस भाई तेरे को फाइंड करने हैं, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस। इन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए मेरे दोस्त हमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने आपको अभी बताया कि कंस्ट्रेंट्स बेटा हमें मशीनों के अंडर और ओवर यूटिलाइजेशन के बारे में बताती हैं, तो इन्हें बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या? एक्स और वाई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, कि एक्स की क्या वैल्यू रखें, वाई की क्या वैल्यू रखें, ये चीजें तेरे को बताएंगी। कैसे बताएंगी? ग्राफ के थ्रू बताएंगी, और इन्हें हमने नाम दिया क्या? कंस्ट्रेंट्स। एक्स जीरो से ज्यादा होना चाहिए, वाई जीरो से ज्यादा होना चाहिए, इन्हें बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। तेरे एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए ना वाई की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ग्राफ में बेटा ये तेरी हेल्प करेंगे, जरा देखना कैसे। मैं अगले पेज पे बनाऊं ग्राफ, फिर क्या बोलते हो? यस सर, सही रहेगा। कितना कितना है इसमें? अगर मैं x को 0 रखूं तो y 4, y को 0 रखूं तो x हमारा 12। यस सर। इसमें x को मैं अगर 0 रखूं तो y 12, और y को 0 रखूं तो x कितना आएगा बेटा?
चार आएगा, तो कितने कितने का गैप लें यार, चार चार का ले लें, चार आठ बारह, चार आठ बारह, ठीक है, और ये ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो, ये ठीक है मेरे दोस्त, एक्स जब जीरो तो वाई चार, वाई जब जीरो तो एक्स बारह, क्या है ठीक है, यस सर, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दिख रही स्ट्रेट लाइन, यस सर, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, वो तो मैं यहां से थोड़ा देख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा चौक होता तो एकदम बढ़िया जाता है, एकदम चौक से थोड़ा ना फ्रिक्शन बढ़िया आता है यार, यहाँ पे फिसल जाता है इस पर यार, स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन है यार, वो यार उससे फिर मैं इरेज करता हूँ ना तो डिलीट हो जाता है यार, चलो कर लेता हूँ यार, तुम्हें क्या लगता है मेरे को स्ट्रेट लाइन बनानी नहीं आती, आती है, नहीं नहीं आती है, लो भाई बना दी स्ट्रेट लाइन बन गई, इसकी जीरो जीरो क्यों पुट करा, अभी कहाँ पुट किया, अभी करेंगे, वैल्यू निकाल लीजिए ना, तो x प्लस थ्री वाई लेस देन 12, अब देख भाई x जीरो तो y बारह, जीरो बारह, जीरो बारह कहाँ है ना, यस सर, और अगला क्या था, फोर जीरो, फोर, यस सर, ये रहा भाई, तो इस बार ग्रीन लाइन बना लेते हैं यार, क्या बोलता है बंटा, सही है, यस सर, सही है, ये हो जाएगा तेरा 3x प्लस y लेस देन 12, कार्तिक क्या बोल रहा है, मैंने क्या क्या रखा, क्या क्यों रखा, कुछ नहीं सर, आ गया, ओके बच्चे दो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, अब एक बात समझना, जब भी कभी कोई इनइक्वालिटी हमारे पास होती है, जब भी कभी कोई इनइक्वालिटी हमारे पास होती है बेटा, तो याद रखिए उस इनइक्वालिटी को जब आप प्लॉट करते हो ग्राफ पे, तो इस इनइक्वालिटी के किसी एक साइड के पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, किसी एक साइड के पॉइंट्स, जैसे यहां पर कोई पॉइंट होगा 5,0, जरा चेक करो ये 5,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, x की जगह 5, y की जगह 0, क्या 5 लेस देन 3 होता है, क्या 5 लेस देन 3 होता है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अच्छा यहां पर कोई पॉइंट होगा 10,10, क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा, 10 + 10 लेस देन 3, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा, उधर के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे, समझ जाओ सॉल्यूशन उस तरफ नहीं है, किस तरफ है, इस तरफ है, चेक करो ये पॉइंट क्या है, 0,0, x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, 0 लेस देन 3 सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखो ये क्या है, 0,2, x की जगह 0 रखो, y की जगह 2 रखो, क्या ये लेस देन 3 है, आप बोलोगे यस, तो समझ जाओ सॉल्यूशन किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ में, ये ठीक है, उसी तरीके से मेरा भाई इस ये जो कंडीशन है इसके सॉल्यूशन कहां होंगे, ये जो ग्रीन वाली लाइन है बच्चों, इसके सॉल्यूशन कहां होंगे, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, सॉल्यूशन कहां होंगे बच्चों, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, तो आप बोलेंगे सर किसी, अब चेक करने का तरीका क्या है, इस साइड से या उस साइड से कहीं से भी कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट क्या है 8,0, एक्स की जगह 8 रखो, 8 3 24, वाई की जगह 0 रखो, क्या 24 12 से छोटा होता है, नो सर, नो, यानी सॉल्यूशन वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब सॉल्यूशन उस तरफ नहीं है, नहीं है, सॉल्यूशन इस तरफ है, और अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो आप एक काम करो, जीरो इस जीरो जीरो को, जीरो जीरो को वहां रखो, एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह जीरो, क्या जीरो बारह से छोटा होता है, होता है सर, होता है, तो आप बोलेंगे यस सर सॉल्यूशन इसकी तरफ है, तो आप क्या बोलेंगे, इधर को शेड कर दो, ये बात ठीक है, यस सर, पोरवाल मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड किया, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं गया, ना मैं थर्ड क्वाड्रेंट में गया, ना मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, यस सर, जाना तो चाहिए वैसे, यहां भी आना चाहिए, यहां से नीचे भी आना चाहिए, बट मैं उसके ऊपर नहीं गया, इसके नीचे नहीं गया, सेकंड क्वाड्रेंट में तेरा एक्स नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में तेरा वाई नेगेटिव हो जाएगा, और तू जानता है कि एक्स और वाई
मेरे नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ये है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। ये कंडीशन वो जो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 तुझे सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने से रोकती है मेरे दोस्त। रोक रही है येलो वाली लाइन, सॉल्यूशन क्या है बताओ? 0, 0, 0, 0, 0 इस लाइन के सॉल्यूशन कहां है, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? तो 0 0 इसको जरा यहां रख के देखो, x की जगह 0 y की जगह 0 लेस देन 12 तो भाई इसकी तरफ ही होंगे, ये पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मेरे दोस्त अब वो हिस्सा जो कॉमन है इसमें भी और उसमें भी, क्या दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। क्या सबको ये कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों? सबको दिख रहा है भाई? बच्चों ऐसा है, मैंने दो लाइन बनाई, एक लाइन ऐसे बनाई और दूसरी लाइन ऐसे बनाई, इसके सॉल्यूशन भी इस तरफ थे, उसके सॉल्यूशन भी इस तरफ थे, बट ये वाला हिस्सा इसको सेटिस्फाई नहीं करता और ये वाला हिस्सा उसको सेटिस्फाई नहीं करता, बट ये वाला हिस्सा इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करता है, मानते हो? Yes, तो कॉमन पार्ट को आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है और ये कॉमन पार्ट बेटा आप लोगों का निकला, इस वाले रीजन को बोलते हैं फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन से तात्पर्य क्या है? वो हिस्सा जो सभी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है, वो पोर्शन, वो रीजन जो इन सभी कंडीशंस को क्या करे बेटा, सेटिस्फाई करे, वो है हमारा फीजिबल रीजन। बच्चों वो है हमारा फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन आप इस हिस्से से कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे इसी बीच में कहीं पर कोई पॉइंट होगा 1,1, इसी बीच में कहीं पर कोई पॉइंट होगा 3,0, इसी यहीं पर कहीं पर कोई पॉइंट होगा 3,3, यहीं पर कोई 1,2, ये जो भी पॉइंट आप देखोगे ना बेटा ये इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सभी कंडीशंस। यस सर, यस सर। तो ये है हमारा फिजिबल रीजन, ये है भाई हमारा फिजिबल रीजन। अब हमारा मकसद क्या था बच्चों? मकसद क्या था? ऑब्जेक्टिव की मैक्सिमम वैल्यू निकालना, ये बात ठीक है? ऑब्जेक्टिव की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे भाई एक रूल है, कॉर्नर पॉइंट मेथड, जो कि कहता है कि अगर फीजिबल रीजन कैसा है, बाउंडेड शब्द यूज किया बच्चों मैंने यहां पे, बाउंडेड का मतलब क्या है? जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, चारों तरफ से क्लोज हो, हर तरफ से बंद हो, ये क्या है बेटा? क्या ये बाउंडेड है कि नहीं है? चारों तरफ से बंद है बच्चों। आपको देखने को मिल रहा है यहां पे कि ये भैया ये है हमारा फिजिबल रीजन, दिखाई दे रहा है भाई सबको बच्चों? अनबाउंडेड का कोई एग्जांपल हो सकता है? ये अनबाउंडेड है भाई, पता नहीं इनफिनिटी तक, पता नहीं कहां तक जाएगा। लो भाई मैं एक लाइन ऐसे बनाता हूं, एक ऐसे बनाता हूं, लो भाई ये कैसा है? ये अनबाउंडेड है, इनफिनिटी तक जा रहा है, ये अनबाउंडेड है, फिलहाल ये बाउंडेड है। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड कहता है कि अगर तुम्हारा फिजिबल रीजन बाउंडेड है, फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड है, तो बाउंडेड फिजिबल रीजन की सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किसी एक कॉर्नर पे आएगी और मिनिमम वैल्यू भी किसी एक कॉर्नर पे आएगी। कार्तिक क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के किसी, देख कितने कॉर्नर है बच्चों यहां पे, कॉर्नर कितने हैं? 1, 2, 3, 4 पात्रा भाई उस कॉर्नर को नहीं लेना, निमिता बहन उस कॉर्नर को नहीं लेना। कॉर्नर कौन सा? फीजिबल रीजन के कॉर्नर्स की बच्चों में बात कर रहा हूं, यहां पे 4 कॉर्नर हैं। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड कहता है कि किसी एक कॉर्नर पर ही फंक्शन ऑब्जेक्टिव की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और किसी एक कॉर्नर पर ही उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तुम्हें क्या फाइंड करना वो तुम अब देख लो भाई। तो बच्चों मुझे बताओ आपको यहां पे कितने कॉर्नर पॉइंट नजर आ रहे हैं? कॉर्नर पॉइंट्स ये है क्या? 0,4 गधे, ये क्या है? 0,0 यस सर। ये क्या है भाई? 4,0 बच्चों मुझे बताओ ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा।
सर साउंड वॉज नॉट क्लियर, कैसी बात कर रहा है यार। बच्चों ये पॉइंट क्या है, एक बार प्लीज कैलकुलेट करके बता दो, कैसे कैलकुलेट करोगे? इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन को सॉल्व करो, x प्लस 3y, देखो ये पॉइंट क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये वाली लाइन एंड वो वाली लाइन, तो इस वाली लाइन और उस वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए बेटा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, मुझे बताओ ये पॉइंट कितना आ रहा है। बच्चों रेवंत कह रहा 3.2, 3.2 तो नहीं होगा यार, 3, 3, 9, 2, 11, 3.2 नहीं है, 3.3 है बेटा, 3.3, लो भाई देख गया, 3, 3, 9, 3, 12, 3.3, क्या 3.3 है बच्चों, देखो जरा एक बार, यस सर, आयुष भाई 3.3, तो आप एग्जाम में इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, सॉल्यूशन इनका सॉल्यूशन आप दिखा सकते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मिल गया 3.3, तो आपका, अब ये बताओ जेड क्या था, जेड क्या था बच्चों, जेड 17.5 x और 7y, 17.5 x + 7y, तो बच्चा लोग कॉर्नर पॉइंट और जेड, इन चारों वैल्यूज को कॉर्नर, इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव में पुट करो, 0 x की जगह 0 y की जगह 4, 28 0 + 0, 17 + 68 = 70, 52.5, बोलो भाई क्या यही आ रहा है, आपके z की मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, मैक्सिमम हाँ देखना, ये 3.3 उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, 3, 3, 9 और 3, 12, 3, 3, 9 और 3, 12, सही तो है क्या दोस्त, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ गया बेटा मैक्सिमम 73.5, और वो कब आया, जब तुम नट्स की 3 यूनिट बनाओगे और बोल्ट्स की भी 3 यूनिट बनाओगे, ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर 73.5। अब देखो मैंने तो तुम लोगों को 10 मिनट तुम्हारे फालतू में मैंने खींच दिए बेटा, एग्जाम में ये स्टेटमेंट तो नहीं आना तुम्हारे पास, सीबीएसई वाले बच्चों के पास तो नहीं आना, सीबीएसई वाले बच्चों के पास ये सब कुछ डायरेक्टली रेडीमेड गिवन होगा, जेड भी रेडीमेड गिवन होगा, आपने बस इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, आपको कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं और उन कॉर्नर पॉइंट्स को आपने जेड की जगह पुट कर देना है, आपका आंसर नहीं आ जाना, बस यही काम आप लोगों को करना है भाई, दैट्स इतना ही बस, समझ में आया तो ठेंगा दिखाएंगे, अब एक बार जरा थोड़े से बच्चों के डाउट्स लेंगे यार, फिर आगे बढ़ेंगे। अंजने शर्मा, अंजनी कहाँ दिक्कत हुई बेटा? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, ये जो नहीं सर, ये जो पॉइंट में सर ये निकालना है ना सर, वहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे निकालना है, ये कैसे निकला, मतलब ये क्या है? नहीं नहीं, वो तो इक्वेशन को दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा, वो तो आ जा रहा है सर, लेकिन ये जो लाइन वाला है ना सर, इस मतलब की ये ग्राफ कैसे बना, लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड जाएगा कि या राइट साइड, वो वाला चीज नहीं, सॉल्यूशन किस तरफ होंगे, सॉल्यूशन किस तरफ होंगे, ये सॉल्यूशन किस साइड होगा, हाँ, वो वाली बात, ये देख बेटा दोबारा देख, देख मेरे दोस्त, 2x + y 2x - y > 6 लिख दिया बेटा, ठीक है, सबसे पहले तो मेरे दोस्त इसको ग्राफ पे प्लॉट कर, x 0 तो y -6, सही बात है, और y 0 तो x 3, क्या ये बात ठीक है मेरे दोस्त, ये ठीक है भाई, अंजनी अंजनी अनम्यूट नहीं करना यार, अंजनी ओके सर, ओके सर, अब देख अंजनी, इस लाइन के सॉल्यूशन या तो इस तरफ होंगे या उस तरफ होंगे, क्या ये ठीक है? यस सर, तो किसी एक तरफ से कोई पॉइंट चूज कर ले, लाइन पे मत लियो, ठीक है, ओके, मैंने लेफ्ट साइड से एक पॉइंट लिया 0 0, ठीक है, ये पॉइंट लाइन के लेफ्ट साइड में है, Yes, x की जगह 0 रख, y की जगह 0 रख, बता क्या 0 6 से बड़ा होता है? No, sir. नहीं होता, यानी ये पॉइंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, इस बात को मानते हैं, तो सॉल्यूशन पक्की बात है उस समय, बता मेरे दोस्त,
समझा? मतलब रैंडम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। हाँ तेरी मर्जी है, ज्यादातर जीरो जीरो लेना इजी होता है ना, क्योंकि वो इन दोनों को जीरो बना देता है, सर। ओके समझा? अब देख कई बार क्या होता है, मजाक क्या होता है बच्चों के साथ, लाइन ऐसे दे दी। अब देख एक्स जीरो तो वाई जीरो, एक्स वन तो वाई वन, ये लाइन इस तरह से जा रही है, मानता है? अब बच्चा क्या करता है, वो जीरो जीरो रख रहा होता है यहां पे, सुनना ध्यान से आईएससी वाले बच्चों, तुम जीरो जीरो यहां पे रखोगे तो जीरो बराबर जीरो आ जाएगा। मैंने भी एक शब्द कहा, लाइन के ऊपर से कोई पॉइंट नहीं लेना भाई, ये जो पॉइंट तुम जीरो जीरो देख रहे हो तो लाइन के ऊपर है, क्या लाइन के ऊपर से कोई पॉइंट लेना है? नो सर, नो लाइन के सर। आगे पीछे लेना है। हाँ तो मैंने देखो यहां पे देखो बहुत सारे पॉइंट है, ये पॉइंट होगा 1 0, ये पॉइंट होगा 3 0, जरा इनको रख के देख, y की जगह रख 0, x की जगह रख 3, बता क्या 0 बड़ा होता है 3 से? नो सर, नो। तो सॉल्यूशन इस तरफ नहीं है, सॉल्यूशन किस तरफ है, लेफ्ट साइड होगा। बात समझ पाए? ओके सर, ओके सर, आगे। नियति बोले बेटा आपका क्या है? नियति सर, वॉइस आ रही है प्रॉपर? हाँ बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी, इसमें ग्राफ बनाने की क्या जरूरत है? पहले अपने पास जो दो इक्वेशंस थी उनको सीधा उनको सॉल्व कर डायरेक्ट लेते हैं और सॉल्व आंसर निकल करके। जाएगा, ये कहना चाह रही हो आप? हाँ सर, हाँ सर, नियति ये क्वेश्चन ही बेटा हमने ऐसा उठाया था कि वो इसमें इन दोनों के थ्रू आंसर आ गया। कई बार क्या होगा, आपको दो इक्वेशन ही दी होंगी, कई बार आपको तीन इक्वेशंस दे रखी होंगी, समझ पा रही हो बात को? यस सर। तीन इक्वेशन अगर आपको दे रखी होंगी तो जरा सोच, एक लाइन तेरी ऐसी भी बन रही होगी, एक लाइन तेरी ऐसी भी बन रही होगी, एक लाइन ऐसी भी बन रही होगी, और फिजिबल रीजन ये आ रहा होगा, तब एक नहीं तब तीन क्रिटिकल पॉइंट आएंगे बेटा, कई बार चार भी आ सकते हैं, तब क्या करोगे बेटा, आपका कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोगे? नियति समझ यस पाए? यस समझ गई हाँ, तो इसलिए मेरी सर। बहन आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, तो आई थिंक क्लियर होगा आपको ये, ठीक है? ओके, अब रविंदर भाई बहुत देर से कुछ कहना चाह रहा है, रविंदर बोल बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? सर वो 3.3 कहाँ से बेटा निकाला? इस कंडीशन को और उस कंडीशन को, ये दो जो इनइक्वालिटीज है इनको सॉल्व कर ले एलिमिनेशन मेथड से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, सर उससे ठीक निकाला ये। है? जी बाबू, सर अब तो एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी ना। सर मैं ये भी बोल रहा था कि जैसे रविंदर, ये वन रविंदर रविंदर एक करता बात, है सिलेक्ट रविंदर एक करने बात में। सुन, रविंदर एक बात सुन, फालतू के टाइम पास वाले क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, और मैं ना खत्म करना चाह टाइम रहा हूँ मेरे पास नहीं दोस्त, करता। सुन सुन ध्यान से, और सभी बच्चे सुनना भाई, मैं चैप्टर को खत्म करना चाह रहा हूँ बेटा, मैं आप लोगों का ही मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, आप जितना अननेसेसरी मजे लोगे उसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा बेटा, चैप्टर खत्म करना है, आपका फायदा होगा अगर खत्म होगा तो, ठीक है दोस्त? अब बता अब क्या दो क्वेश्चन है तेरा, अब बता सर सीबीएसई में बड़ा प्रॉब्लम है या नहीं ये पूछ रहा था मैं, क्योंकि बेटा। मैंने स्कूल स्टार्टिंग में मना कर दिया था कि वो नहीं है बेटा, तो क्यों परेशान हो रहा है फिर सर चीज़ों को? स्कूल वाले वो दे वाईटी में भी वो बच्चा कोई कमेंट किया जा रहा था लगातार, सर वर्ड प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है बेटा, बस चैप्टर का, लेकिन फिर भी अगर मत अर्थ समझना है, मतलब समझना है, तो इसलिए एक वर्ड प्रॉब्लम बेटा मैंने करवाया था, ठीक है मेरे दोस्त? जी सर। हाँ बाकी सीबीएसई में भले ही दे रहे हो, स्कूल वाले भले दे रहे होंगे, बट आपके एग्जाम में नहीं आएगा बेटा, ठीक है? ओके सर। हाँ ओके, क्या बोलते हैं, आरुष उगल बोलिए बेटा आपका क्या है? आरुष सर आपने अभी अभी थोड़े टाइम पहले आपने बताया था ये y greater than equal to x वाली अपने बताई थी कि आप 0 0 पुट नहीं कर सकते उसके अंदर, वो आपने बताया था। ये बात समझ नहीं आई कि 0 0 पुट क्यों नहीं कर सकते। अगर तो 0 0 रखेगा तो ले भाई, वाई की जगह भी 0 रख और एक्स की जगह भी 0 रख, 0 इक्वल्स टू 0 आएगा, बता किस साइड शेड करेगा? ये पॉइंट तो लाइन के ऊपर है ना, ये तो ना तो ट्रू है ना फॉल्स है भाई, क्या बोले इसको? ट्रू है, बिल्कुल है, तो क्या लाइन को ये तो शेड करता रहेगा, हमें तो लाइन के बाहर भी तो सॉल्यूशन चाहिए ना हमें, इसलिए बाहर से कोई पॉइंट लिया जाता है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई? मतलब कौन सा पॉइंट ले सकते हैं, मतलब किसी भी साइड से ले ले, तेरी मर्जी है बेटा, वो बस लाइन के ऊपर से मत लियो। अब सेम मेरे दोस्त जरा इस क्वेश्चन को देख, तू अगर बोलेगा भैया ये पॉइंट है 12.0, मैं तो ये रख के देख रहा था,
तो जब तू इसको यहां रखेगा बेटा, x की जगह 12 और y की जगह 0, तो 12 बराबर 12 आ जाएगा, 12 इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो वो तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि वो तो लाइन के ऊपर ही है। हमें बाहर का पॉइंट चाहिए ताकि पता चल सके कि सॉल्यूशन उस तरफ है या इस तरफ है, इसलिए मैं कह रहा हूं लाइन के ऊपर कोई पॉइंट नहीं लेना होता। ठीक है मेरे भाई? ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। नंदिनी, नंदिनी सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? सर अगर अगर हम इसी मतलब कि अगर हम शेड कर रहे होंगे और अगर कोई कॉमन रीजन आए ही ना तब क्या करेंगे? कॉमन रीजन अगर आए ही ना तब क्या करेंगे? तब उस सिचुएशन में बेटा समझ लो, उस सिचुएशन में बहन बहन का बढ़िया डाउट है यार, कोई कॉमन रीजन आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है बेटा कि तुम्हें अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। उस प्रोग्रामिंग का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता फिर, समझ पा रही बात को? उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि यहां पे कोई फिजिबल रीजन है ही नहीं, तो जो प्रोग्रामिंग जो इनइक्वालिटीज कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखे हैं, जो ऑब्जेक्टिव आपका है, उस ऑब्जेक्टिव का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट फिर नहीं करता है बहन फिर। ओके सर, मतलब ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल है ये भी? ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं अंजनी। नंदिनी आई थिंक क्लियर है? यस सर। सुजीत, सुजीत भाई लास्ट, हमारा भाई कुछ कहना चाह रहा है, बोलो बेटा। सुजीत बेटा कहां पे दिक्कत आई तेरे को बता बेटा। सुजीत बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले सर? बाबू तीसरी बार बता रहा हूं, ये इसको और इसको सॉल्व कर, इसको और इसको सॉल्व कर। कैसे सॉल्व करेगा? विलोपन विधि लगाओ, प्रतिस्थापन विधि लगाओ, कोई सी भी विधि लगाओ, लगाओ लेकिन क्यों नहीं लगा रहे हो, लगाओ ना। ठीक है, एक मृदुल भी कुछ कहना चाह रहा था, मृदुल एक आखिरी तेरा सुन लेते हैं यार, है ना? मृदुल हैंड रेज कर एक बार, मृदुल अगर कुछ सही में डाउट है तो। मृदुल भाई बता बेटा, कैसे परेशान था? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला 3.3, तो आपने दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन को इक्वेट कर दिया, तो हमें हमें कैसे पता कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही मिलेगा हमें इक्वेट करने के बाद? बेटा आपके ना बेसिक हिले पड़े मर्दुल, है ना? पब्लिकली तो क्या बेइज्जती मारूं आपकी, नालायक निकम्मे गधे, क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाम का चैप्टर हुआ करता था, वहां पे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के जो एक्स और वाई की वैल्यू आती थी वो क्या आता था नालायक? वो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो होता था, गधा कहीं का नालायक निकम्मा। कह रहा हमें कैसे पता चलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मुर्गा बन तू नालायक, कैमरा ऑन करके मुर्गा बन, गधा कहीं का हमें कैसे पता चलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। चलो भाई चलो, ओके गाइस बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं यार बच्चों। चलिए अब जरा जो पढ़ा है एक बार उसकी जरा प्रैक्टिस भी कर ली जाए बच्चों, ठीक है? सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन फटाफट से आंसर निकालेंगे इसका, जल्दी से बेटा। सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर निकालना है सबको। जेड दे रखा है, कंस्ट्रेंट आपको दे रखे हैं, एक कंस्ट्रेंट है क्या एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। नहीं नहीं सब अपनी कॉपी में निकालेंगे फिर मेरे आंसर से मैच करेंगे। x 0 y 4, y 0 तो x 4, बाकी x greater than 0 y greater than 0 का मतलब है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। 0, 0 क्या ये 0, 0 उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? 0 less than 4 हम बोलेंगे यस सर करेगा। तो यही आपका फिजिबल रीजन है बच्चों। कितने कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं हमें? कॉर्नर पॉइंट एक हो गया 0, 0, एक हो गया 0, 4, एक हो गया 4, 0। जेड की वैल्यू क्या है भाई? जेड की वैल्यू 3x प्लस 4y। तो जेड यहां पे बनेगा 0, यहां पर बनेगा 16 और यहां पर बनेगा 12। तो क्या बोला था इसने? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी आ रही है?
16 कब, जब आपका x खुद कितना होगा 0 और आपका y कितना होगा बेटा 4। क्या ये आंसर आ रहा है बच्चों? क्या ये बात ठीक है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, लगाओ भाई दिमाग। यस सर। पहला कंस्ट्रेंट है x प्लस 2y लेस देन 8, फिर है 3x प्लस 2y लेस देन 12। हो जाओ बड़ा जल्दी करो इसको भाई। किसी ने अगर वीडियो सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को भी लाइक कर देना यार, है ना? हम तुम्हारे बहुत ही एहसानमंद रहेंगे जीवन भर, है ना? तुम्हारे एहसान को हम कभी नहीं भूलेंगे। जिसने सेशन को लाइक ना किया, सेशन को लाइक कर देना यार। x 0 तो y 4 और y 0 तो x 8, x 0 तो y 6, y 0 तो x कितना 4। क्या ठीक है बच्चों? कितने कितने गैप लेंगे? दो दो का गैप ले लें क्या? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। जीरो फोर ये रहा और एट जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। कौन है? ओके, जीरो सिक्स, जीरो सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड फोर जीरो, वन टू थ्री फोर। तो ये आपका बन जाएगा थ्री एक्स प्लस टू वाई लेस देन ट्वेल्व। ठीक है बच्चों, जरा बताने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना रह रहा है? 2x 4x की वैल्यू 2 आ रही होगी, y की वैल्यू 3 आ रही होगी। क्या 2.3 आ रहा बच्चों? 2.3 बहुत बढ़िया दुबे भाई, बहुत बढ़िया। टू कॉमा थ्री आ रहा है ना बच्चों? अच्छा चेक करो, क्या इसका फिजिबल रीजन यही है बच्चों? क्या फिजिबल रीजन यही है बच्चों? देखो जरा ध्यान से, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हो गए? 0 4, 0 0, 4 0 और 2.3। जेड की वैल्यू, जेड है माइनस 3x प्लस 4y, जेड 4 × 16 0, माइनस 12, माइनस 6 × 4 = 12 6। मैक्सिमम इसने क्या बोला था? मिनिमम, मिनिमम माइनस 12 आ रहा है बच्चों? जरा बुक के पीछे आंसर चेक करो यार, वो तब आ रहा है जब आपके x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। देख लो भाई क्या ये ठीक है कि नहीं है। माइनस 12 बच्चों, समझ में आ रहा है? अबे आवाज नहीं आ रही किसी की यार, कहाँ खो गए? यस सर, यस सर, आ गया। ओके, वंशिका है हमारे साथ? वंशिका मम गई किधर गई? सो हाँ, तू तो है यार,
तो है ही। मंगई सो गई? ए मंगई यही है, पढ़ रही है ना कि नहीं पढ़ रही है? नहीं नहीं सर पढ़ रही हूँ। वंशिका मैंने एक बात बताना चाह रहा हूँ यार, मैं बाउंडेड फिजिकल रीजन है बाउंडेड फिजिकल रीजन है इस चैप्टर में जब भी बाउंडेड फिजिकल रीजन बनेगा तो याद रखियो वो हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगन बनेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन से क्या तात्पर्य है? यस सर, कोई एक ऐसा पॉलीगन उसकी मैं किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूं, वो किसी थर्ड साइड को ओवरलैप करके नहीं जाएगा, इंटरसेक्ट करके नहीं जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने अभी एक पॉलीगन बनाया, पॉलीगन है मल्टीपल साइड्स हैं इसमें भी। यस सर, यस सर। अब मैं इस पॉइंट को और उस पॉइंट को अगर ज्वाइन करना चाहूं तो आप क्या देख रहे हो? इन दो को इंटरसेक्ट करके जाना पड़ेगा। यस सर, समझ पा रहे हो? लेकिन अगर मैं इसमें आपसे बोलूं कि किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करो, चेक करके देखो क्या किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर कभी कोई भी साइड इंटरसेक्ट हो पाएगी, कोई थर्ड साइड? आप अगर इसको और इसको ज्वाइन करना चाहो तो आप सीधा आ जाओ, इसको और इसको ज्वाइन करना चाहो तो सीधा आ जाओ, इसको और इसको ज्वाइन करना चाहो तो सीधा आ जाओ, तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जरा देखना, क्या इसको मैं कॉन्वेक्स पॉलीगन बोल सकता हूं? आप बोलेंगे सर इसको और उसको अगर ज्वाइन करना हो तो वो साइड इंटरसेक्ट जरूर होगा, तो ये होता है हमारा क्या, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये है कॉन्वेक्स, सही बात है? यस सर। नॉन कॉन्वेक्स, नॉन कॉन्वेक्स। अब ये चीज जो मैंने आपको बताई है ना, ये आपको ये याद रखनी है बात, क्योंकि ये चीज आपके पास ना एक एमसीक्यू आएगा कि जो बाउंडेड फिजिबल रीजन हमारा हुआ करता है उसमें जो पॉलीगन बनेगा किस तरह का पॉलीगन होगा, किस तरह की शेप हमारे पास हुआ करेगी। तो वहां पे कह सकता है सर्कल कह देगा, ठीक है, या फिर ओपन हाफ प्लेन कह देगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन कह देगा, इस तरह से कुछ ना कुछ ABCD चार आपके सामने ऑप्शन होंगे, आपने कॉन्वेक्स पॉलीगन पे क्लिक करना है मेरी बहन। याद रख पाओगे? ठीक है सर। यस सर, सर जो ऐसे क्वेश्चंस है हमारी एनसीईआरटी में, इनमें तो नहीं होगा ना, मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन के अलावा? नहीं, कॉन्वेक्स ही है। ये देख सकते हो यहाँ पर भी आप किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर लो, थर्ड साइड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, ये आप चेक कर लो। हमेशा बाउंडेड रीजन में हमेशा कॉन्वेक्स ही बनना है, डन है? ओके सर, डन। बड़े आगे बढ़े? यस सर। क्या पांचवा क्वेश्चन भी सेम है यार? पांचवा भी सेम है भाई? एक मिनट रुकिएगा बच्चों जरा, सर नाइन्थ करवा दो, नाइन्थ 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 में तो बेटा नाइन्थ में तो अनबाउंडेड डिजन बनेगा ना बच्चे, अनबाउंडेड क्यों, नाइन्थ में तो हमारा अनबाउंडेड बनेगा। एक मिनट जरा दीजिएगा, चलिए सेवेंथ क्वेश्चन करें बच्चों, क्या बोलते हो?
हाँ जी बेटा सर, ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो नहीं शो द मिनिमम ऑफ जेड ऑक्यूपाई, ये वाला एक बार स्टेटमेंट समझा दिए थोड़ा। ओके सिक्स्थ में क्या है सर, ये जो इसका स्टेटमेंट है ना, शो द मिनिमम ऑफ जेड ऑक्यूपाइज एट मोर। हाँ हाँ देखिए वही तो समझा रहे हैं, देखेंगे समझेंगे। क्वेश्चन देखो ये सेवन से देखिएगा, नींद तो नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही ना किसी को बच्चों? नो सर। हाँ भाई किसी को नींद तो नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं। हाँ भाई भड़कती आत्माओं नींद तो नहीं आ रही ना, सोना नहीं है भाई बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जागते रहो जागते रहो। नो सर, ठीक है चलो भाई ओके। देखिएगा क्या बोला गया है, पहले तो देखो यहाँ पे इस बार एक दो और तीन कंस्ट्रेंट है, बट तीन मेन कंस्ट्रेंट है यहाँ पे है ना, बाकी वो दो नॉन नेगेटिव तो यार फॉर्मेलिटी है बस है ना। अब देखो ये क्या है, x प्लस टू वाई लेस देन 120, इसमें अगर मैं x को ज़ीरो रखूँगा तो y हमारा कितना रहेगा 60, y ज़ीरो रहेगा तो आपका x कितना हो जाएगा 120, इसमें x प्लस वाई, x ज़ीरो तो y 60 और y ज़ीरो तो x 60। यहाँ पे x माइनस टू वाई ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसको आप कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू वाई। ये डन है बच्चों? तो 30-30 का गैप लेके, 30-30 का गैप लेके चलते हैं यार, क्या बोलते हो सही रहेगा? यस सर। कोई नेगेटिव में तो नहीं जा रहा ना? हाँ ठीक ओके। y हमारा मैक्सिमम 60 तक गया, x 120 तक गया, तीस साठ नब्बे 120, तीस तीस साठ नब्बे। लो भाई x 0 तो y 60, यस सर, और y 0 तो x 120, 30-30 का गैप है भाई है? Yes, sir. और ये आपका हो गया x प्लस टू वाई लेस देन 120। ओके x 0 तो y 60 और 30-60 है जगह। यस सर। तो इसकी क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 60 एंड लास्ट x 0 तो y, उसमें अगर मैं x को 0 रखूं तो y 0, और x को अगर मैं y को अगर मैं 30 रखूं तो x मेरा कितना होगा यार 60, क्या ठीक है? 0 0 ये रहा और 60 30 x 60 तो y 30 है, यहाँ कहीं होगा यार मेरे ख्याल से, क्या बोलते हो? 60 30 ये इसके ऊपर होगा पूरा एकदम यहाँ पे, तो ये लाइन मेरी चली जाएगी यहाँ से कुछ इस तरीके से। ये हो गया तुम्हारा x greater than 2y। अब पोरवाल सबसे पहली फिल्म तो इसमें ये है कि बाउंड्री रीजन कौन सा है, आपको पहले तो ये पता करना है बेटा, मानता है आपको बाउंड्री रीजन का यहाँ पे आइडिया लगाना है मेरे भाई। तो देख सकता है ये लाइन तो हमारे पीछे तक जा रही है काफी है ना। यस सर। जीरो कॉमा जीरो, ये जीरो कॉमा जीरो है जो है, बता क्या ये जीरो जीरो इस वाइट वाली लाइन को सेटिस्फाई करता है x plus y greater than 60 को? नो सर। x 0 y 0 क्या 0 60 से बड़ा होता है? नो सर। नो सर। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन यहां नहीं है, इसके सॉल्यूशन राइट साइड में, ये ठीक है? यस सर। यस सर। क्या 0 0 उस येलो वाली लाइन को सेटिस्फाई करता है
जीरो 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 लेस देन 120, बता भाई सही है? है सर। है, तो यानी कि उसके सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होंगे। यस सर। बट अब कहां, इस वाले ट्रायंगल में या इस वाले क्वाड्रिलेटरल में, अब वो डिसाइड करेगा कौन, ये वाली लाइन, मानता है? यस सर। मैंने क्या बोला था, जीरो जीरो मत लेना अगर लाइन ओरिजिन से जा रही हो तो। यस सर। ठीक है, कुछ और पॉइंट लो, ये ले लेते हैं, इस ग्रीन वाली लाइन के राइट साइड में 120.0 है, एक्स की जगह 120 रख, वाई की जगह जीरो रख, क्या 120 बड़ा होता है जीरो से? होता है सर। क्या ये पॉइंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? कर रहा है सर। कर रहा है सर। तो यानी कि सॉल्यूशन राइट साइड में है, क्वाड्रिलेटरल में, और यानी कि क्वाड्रिलेटरल में आ गए, तो यानी कि ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। यस सर। क्या ये बात समझ पाए बच्चों सभी? यस सर। इतना क्लियर है भाई, हाँ या ना? किसी को दिक्कत तो हैंड, किसी को दिक्कत है हैंड रेज करेंगे, इसमें किसी को दिक्कत हुई तो हैंड रेज करेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत हुई है? निशा, किसी को दिक्कत नहीं है? सब समझ गए यहां तक? कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। ओके, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, मक्खन मत लगा। कॉर्नर पॉइंट्स चैप्टर दीजिए सर। ये क्या है 120.0? यस सर। ये क्या था 60.0? यस सर। ये क्या था यार, ये बच्चों जरा बताना, ये पॉइंट क्या है, कैसे निकालोगे इस पॉइंट को? दोनों लाइन के इंटरसेक्ट। कौन सी दोनों लाइन? ये पॉइंट एक तो उस लाइन से और इस लाइन से बना है, है ना? Yes, तो x equals to 2y को यहां रख दो, x equals to 2y, 2y plus 2y, 4y equals to 120, तो y की वैल्यू 30 है। Yes, और y 30 है तो तुम्हारा x पक्की बात है 60 है। Yes, sir. 60 क्या ये 60-30 आ रहा बच्चों? 60-30? Yes, sir. Yes, sir. मैंने इसको और इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू जो 2y थी उसको यहां पे 2y रख दो, 2y plus 2y 4y, 4y की वैल्यू 120, तो y आपका 30 आ जाएगा, y 30 आ गया तो x आपका 60 आ जाएगा, y 30 आएगा तो x आपका 60 आ जाएगा, तो ये पॉइंट उसको और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जरा ये वाला पॉइंट बताओ, ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्रीन वाली लाइन एंड ये व्हाइट वाली लाइन, x equals to 2y एंड x plus y equals to 60, तो मैं अगर मैं x की जगह 2y रखता हूं तो 2y plus y 3y, 3y equals to 60, तो यानी कि y आपका कंफर्म 20 होगा, और y 20 होगा तो x आपका 40 होगा। यस सर। तो 40.20, z की वैल्यू क्या है बेटा? z था कितना, 5x plus 10y, 60-30 पे आएगी। आई यस 120, 600 300 प्लस 300 600 200 और 200 400 आ रहा है। यस सर। बताओ भाई हाईएस्ट कहां पे आ रहा है? दो पॉइंट्स पे आ रहा है, 120.0 और 60.30। इसका मतलब लाइन है पूरी, किसको कुछ कहना है यहां तक, अभी तक हैंड रेज कर सकते हैं? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। सर 60-30 कैसे आया? 60-30 बेटा, 60-30 ये कह रहे हो ना बाबू? 60-30 ये जो पॉइंट है बच्चे, ये 60-30 x equals to 2y and 60-30 ये कौन सी लाइन है, x plus 2y equals to 120, इन पे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगा बेटा। 2y की जगह तो अगर x रख देगा तो x plus x 2x equals to 120, तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी, और x अगर 60 आ गया तो y तेरा 30 आ जाएगा।
क्या बोलता है मेरा भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्यों? शिवम गुप्ता हैंड इज कर बेटा, माइक ऑन कर, अगर दिक्कत हो तो। समझ में आ गया, ओके। अब मेरे एक बात बताओ बेटा, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे बच्चों? यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आपको दो पॉइंट पे देखने को मिल रही है। मैक्सिमम वैल्यू है कितना? 600। बट कब? एक तो कहाँ पे? 120.0 पे। 120.0, यस सर। एंड 60-30। अब मैं तुमको एक बात और बोलना चाहूंगा, एक नंबर की बात है बच्चों, अब जरा समझ लेना। एमसीक्यू है, एमसीक्यू क्या होगा? एमसीक्यू होगा जेड इज मैक्सिमम एट, चार ऑप्शन दे रखे होंगे ए बी सी डी नीचे, एट 120.0, 60.30, 120.0 एंड 60.30, सेगमेंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी सी डी, चार ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास, कहां पे क्लिक करोगे? ए बी सी डी चार ऑप्शन होंगे बेटा, किस पे क्लिक करोगे? सर डी या सी में से कंफ्यूजन हो रहा है। सर आप वेदू को जानते हो? वेदू कौन सा वेदू? हाँ वेदू को जानता हूँ, एक वेदू की कंपार्टमेंट आई थी तो वो हर टाइम जब भी मेरे लाइव बैच में आता था तो रोता रहता था कि सर पास तो हो जाऊंगा, पास तो हो जाऊंगा ना यार। और वो लड़का फिर पास हो गया था, वो लड़का फिर पास हो गया था, रोतड़ू था, एक नंबर का रोतड़ू था वो। तुम्हारा कोई जानकार तो नहीं है, कोई दोस्त वगैरह हो? कहीं तुम ही तो नहीं हो? सर कल प्री बोर्ड है, ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से करियो बाबू। सर मेरे पिछली बार 95 आए थे, ओके बेटा बहुत बढ़िया। तो भाई लोग राइट आंसर है इसका क्या? डी। 120.0 कहां है? 120.0 ये ना, और 60.30 ये ना। बच्चा लोग जब भी कभी दो पॉइंट्स पे, जब भी कभी दो पॉइंट्स पे जेड की वैल्यू सेम आ जाए, जब भी कभी दो पॉइंट्स पे जेड की वैल्यू सेम आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ करेगा कि उन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाला ये जो सेगमेंट होगा ना बच्चों, ये जो लाइन सेगमेंट है, इस सेगमेंट पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो या ये ले लो, कंफर्म उन सभी पॉइंट्स पर भी जेड की वैल्यू 600 ही आएगी, ये बात कंफर्म है। और इनफैक्ट जरूरी नहीं है कि मैं इन दोनों के बीच में ही लूं, मैं आप लोगों को बता दूं, आप इस पूरी लाइन पर चाहे तुम उस तरफ चले जाओ या तुम इस तरफ कहीं भी आ जाओ, यहां नेगेटिव में भी आ जाओ चाहे तुम, इधर कहीं भी चले जाओ, हर पॉइंट पे तुम्हारे जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 600 आएगी। चाहे देखो वेरिफिकेशन के लिए मैं बता देता हूं, देख पोरवाल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0.60। और देख ये पॉइंट उसी सेगमेंट की लाइन पे तो है, यस सर, 0.60। एक्स की जगह 0 रख, वाई की जगह 60 रख, 600 हो गया, आ रहा है 600, यस सर। तो वही बात हम कहना चाह रहे हैं, इस पूरी लाइन पर हमेशा तुम कोई भी पॉइंट ले लो, एक्स और वाई चाहे तुम कुछ भी ले लो, बस वो याद रखना वो इसी लाइन पे होना चाहिए, इस लाइन पे जेड की वैल्यू हमेशा 600 होगी। लेकिन वो बात अलग है कि ये हिस्सा तुम्हारे फिजिबल रीजन में नहीं आता। फिजिबल रीजन कहां से लेके कहां तक का है? यहां से लेके यहां तक का। तो मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है, इस पूरे सेगमेंट पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स पे हमारा जेड क्या होगा? 600 होगा। और इसलिए हम आंसर क्या लिखेंगे कि जेड विल बी मैक्सिमम एट
all the points of line segment joining 120, 0 and 60, 30. याद रहेगी भाई ये बात, एक नंबर का एमसीक्यू है बच्चों, शायद किसी को दिखा भी हो, आयुष श्रीवास्तव यहां भूल मत कर देना भाई, ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं? पर ये सेम क्वेश्चन मिनिमम के लिए भी बन सकता है ना, सेम क्वेश्चन मिनिमम के लिए भी बन सकता है, बिल्कुल, मिनिमम अगर कहां पर है तो मिनिमम बेटा आपका 300 पर है और वो कंफर्म वो 60-0 पे ही होगा, और मैक्सिमम मैक्सिमम इन दो पॉइंट्स पे, ऐसे भी दो पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाले लाइन के सेगमेंट में है, ठीक है भाई? ओके, अब बताओ बेटा, अब तक जितना पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया? आया सर, इतना आया आज भाई, मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं, मैंने तुम लोगों को मेजोरिटी पार्ट करा दिया है, कल की क्लास का बेटा मुझे आधा घंटा और चाहिए होगा, फिर कल सीबीएसई का खत्म हो जाएगा, ठीक है, और कल के आधे घंटे के बाद बेटा फिर मैं हमारे जो आईएससी वाले बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनको वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है बच्चों? तो आज का सेशन भाई कर रहे हैं समाप्त, अब मिलेंगे आप लोगों से कल, जिसने किसी बच्चे ने इस वीडियो सेशन को अगर लाइक नहीं किया होगा तो कर देना भाई, भगवान तुम्हारा भला करेगा, ठीक है भाई? हाँ ओके, अच्छे मार्क्स आएंगे। अंश भाई, अंश बेटा सुन ले बेटा ध्यान से, एक बार अंश सुन ध्यान से मेरे भाई, मैंने अभी ये बताया कि 120.0 पर भी आंसर 600 है और 60.30 पर भी आंसर क्या है 600 है। जब भी कभी दो पॉइंट पे आंसर सेम होता है, कौन कौन से दो पॉइंट है, एक तो 60.30 है और एक दूसरा 120.0 है, जब भी दो पॉइंट पे आंसर सेम आ जाए, जेड की वैल्यू सेम आ जाए, तो समझ जाओ कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, उस पूरी लाइन पर ही जेड हमेशा कितना आएगा 600 आएगा। यानी कि अब ये मत समझना कि इन दो पर ही आंसर 600 है, नहीं, इन दो के अलावा इन बीच में जितने भी पॉइंट आते होंगे इस लाइन के ऊपर, उन सब पर भी बेटा हमारा जो जेड है वो 600 रहेगा मेरे भाई, ठीक है? चले मिलेंगे बेटा आप लोगों से। सर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद 4 सप्लाई पॉइंट एंड 5 डिमांड पॉइंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंस्टेंट रिक्वायर्ड इन इट्स फॉर्मुलेशन? अमन कुमार मौर्य मेरे भाई, देख ऐसा है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है मेरे बच्चे, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं भाई। जब आपका वर्ड प्रॉब्लम सिलेबस में भी आपका रहा करता था तो तब भी भाई वो नहीं आते थे, ठीक है? एक तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाती है मेरे दोस्त, ठीक है, तो वो नहीं आनी है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं मेरे दोस्त आपका, ठीक है? बाकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कल मैं कराऊंगा मेरे दोस्त, कल तू देख लियो भाई, ठीक है? चले मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।